स्मार्ट चार्ट स्ट्रिप चार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिप चार्ट से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे तालिका में दिए गए आंकड़ों को नजरअंदाज करके पट्टियों यानी स्ट्रिप्स को किसी भी क्रम में लगा देते हैं। इससे डेटा की व्याख्या गलत हो जाती है। उदाहरण के लिए इस डेटा को देखें, यहां तीन बच्चों के गणित की परीक्षा के अंक दिए गए हैं। राधा को 72, कृष्ण को 53 और माधव को 65 अंक मिले हैं। चलिए हम इन्हें स्ट्रिप चार्ट में दर्शाते हैं। अगर हम स्ट्रिप्स को इस प्रकार से लगाएं, क्या यह उचित है? आप देख सकते हैं कि चार्ट के हिसाब से राधा को 65 और माधव को 72 अंक मिले हैं। यह तो राधा के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। इस तरह हम गलत डेटा नहीं दिखा सकते। अब देखिए, यह स्मार्ट चार्ट एकदम सही है, क्योंकि यह बच्चों के नाम के साथ उनके प्राप्त किए गए अंकों को सही दर्शाता है। इसीलिए बच्चों, आंकड़ों को स्ट्रिप चार्ट में दर्शाते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रिप डेटा की सही व्याख्या कर रही हो। कभी हम इस भ्रम में भी रहते हैं कि पट्टियों यानी स्ट्रिप्स को केवल आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम में ही लगाना चाहिए। स्ट्रिप्स को आप किसी भी क्रम में लगा सकते हैं। ध्यान यह रखना जरूरी है कि पट्टी सही मूल्य की प्रतिनिधि हो। इन तीनों चार्ट्स को ध्यान से देखें। बच्चों, आप वीडियो को रोककर ध्यान से चार्ट्स को देख सकते हैं। इन तीनों चार्ट से आप डेटा की व्याख्या सही प्रकार कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पट्टियों यानी स्ट्रिप्स को केवल आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम में ना लगाकर किसी भी क्रम में लगाया जा सकता है। कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि अगर हम चार्ट में अक्ष यानी एक्सिस को बदल देंगे तो डेटा की व्याख्या गलत हो जाएगी। आप दोनों चार्ट्स को ध्यान से देखें। हमने सिर्फ निर्देशांक अक्ष बदले हैं, किंतु डेटा का ज्ञान हमें वही प्राप्त हो रहा है, जैसे किसको ज्यादा मार्क्स मिले, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स में अंतर क्या है इत्यादि। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ट में अक्ष यानी एक्सिस बदलने से डेटा की व्याख्या में कोई बदलाव नहीं आता। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने स्ट्रिप चार्ट से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं के बारे में जाना।